नमस्कार दोस्तों, संसार ग्रीन की हरियाली दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नवंबर के महीने में लगाए जाने वाले फूलों की लिस्ट लेकर आए हैं। हम अपनी लिस्ट शुरू करें तब तक थोड़ा कुछ आप भी कर लें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें और अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। डालिया या डालिया सीजनल फ्लावर में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इनके फूल लाल, पीला, मरून, सफेद, लगभग हर रंग के होते हैं। डालिया को राइजोम यानी कंद या कटिंग या फिर बीजों से भी लगा सकते हैं। इनकी 150 से ज्यादा किस्में हैं, यानी आप कम से कम 150 प्रकार की डालिया तो लगा ही सकते हैं। किस्मों के साथ फूलों का रंग और आकार बदलता रहेगा। इन फूलों को रिच ऑर्गेनिक सॉइल चाहिए, यानी उपजाऊ मिट्टी। आप चाहें तो कंपोस्ट डालें या रासायनिक खाद। पौधे को वेल ड्रेन पॉट में लगाएं। ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है। पैंसी या वन फूल, इन फूलों का बोटैनिकल नाम वियोला विट्रोकियाना है। फूल नीला, सफेद, बैंगनी, पीला या दोहरे रंगों के होते हैं। इनका पौधा बीजों से उगता है। पैंसी या वन फूल का पौधा काफी छोटा, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। यह बेस्ट पॉट फ्लावर्स हैं। फूलों का आकार बड़ा, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है। काफी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं। आप अगर एक बार लगाएंगे तो हर साल लगाना चाहेंगे। इनको उगाना भी आसान है। बीजों को उगने में हफ्ते 10 दिन का समय लग ही जाता है। हल्की उपजाऊ मिट्टी मिल जाए तो फूल भी जल्दी आने लगते हैं। नाजुक सा इनका पौधा होता है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करें। वर्बीना या ग्लैंचा के छोटे फूल लाल, गुलाबी, पीला, सफेद आदि रंगों के होते हैं। हर फूल के फल में 4 बीज होते हैं। इन पौधों को इन्हीं छोटी बीजों से उगाया जाता है। वर्बीना के फूल गुच्छे में खिलते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। पत्तियां गहरे कट वाली रिंकल्ड होती हैं। पौधे की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर ही होती है, इसलिए पॉट में आसानी से लगते हैं। ये लगभग हर तरह की मिट्टी में आसानी से लग जाते हैं और रेगुलर वाटरिंग से लगातार फूल आते रहते हैं। यह लो मेंटेनेंस प्लांट है। अफ्रीकन मैरीगोल्ड या गेंदे की उन्नत नस्ल है। फूल पीले, नारंगी या सफेद रंग के होते हैं। इन पौधों को बीज, कटिंग या लेयरिंग से लगाया जाता है। कटिंग से लगाने से फूल जल्दी आएंगे। अफ्रीकन मैरीगोल्ड अपने बड़े आकार के फूलों के लिए जाने जाते हैं। पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। 30 से 35 सेंटीमीटर आकार के पौधे गमले में भी आसानी से लगते हैं। कट फ्लावर के तौर पर इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। हल्की उपजाऊ मिट्टी और रोजाना एक बार पानी इन पौधे के लिए जरूरी है। खूबसूरत दिखने के साथ साथ ये आपके घर को मच्छरों से भी बचाते हैं। लक्ष्पर या मखोटी या डेल्फिनियम के फूल भी लाल, गुलाबी, बैंगनी आदि कई रंगों के होते हैं। इन फूलों को भी बीज से उगाया जाता है। लक्ष्पर के फूल लंबी डंडियों में ढेर सारे खिलते हैं। ये खूबसूरत कट फ्लावर्स हैं। पौधे पतले मगर 1 मीटर तक ऊंचाई के होते हैं, इसलिए हमेशा बड़े पॉट में ही लगाएं। इन पौधों के लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। इनके बीज भी उगने में 2 से 3 हफ्ते का समय लेते हैं। रेगुलर वाटरिंग और वेल ड्रेन पॉट में इनके लिए जरूरी है। एस्टर या गेंदे की प्रजाति का फूल है, जिसका बोटैनिकल नाम कैलिस्टिफस चाइनेसिस है। इनके फूल भी लाल, गुलाबी, सफेद, नीले आदि रंगों के होते हैं। इन्हें बीजों से लगाते हैं। फूल आकार में बड़े और बेहद आकर्षक होते हैं। इन पौधों में फूल जल्दी खिलना शुरू हो जाते हैं और ढेर सारे फूल खिलते हैं। बीजों को उगने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। एस्टर के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। बेहतर होगा आप जैविक खाद वाली मिट्टी में पौधा लगाएं। पौधे को धूप में रखें और रोज एक बार पानी जरूर दें। फ्लॉस, इन फूलों का बोटैनिकल नाम एग्रेटम है। फूल आमतौर पर नीले, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं और इन्हें भी छोटे बीजों से उगाया जाता है। फ्लॉस के पौधे आकार में छोटे, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के होते हैं। इन्हें गमले में लगाना आसान है। बीज में 1 से 2 हफ्ते में उगते हैं।
फूल छोटे आकार के मगर गुच्छे में खिलते हैं। इनमें इतने सारे फूल खिलते हैं कि ब्लूमिंग सीजन में फूलों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, ना पत्ते ना तना। इनके लिए भी उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जमीन पर लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें और रोजाना एक बार पानी जरूर दें। पेपर फ्लावर या एक्रोलिनियम, आमतौर पर यह फूल गुलाबी, सफेद या लाल रंग के होते हैं और बीजों से उगाए जाते हैं। बेहद आकर्षक इनके फूल अपने छदम या नकली होने का एहसास कराते हैं, इसलिए पेपर फ्लावर कहलाते हैं। इन्हें कट फ्लावर या ड्राइड फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि फूलों के सूखने पर भी इनका रंग या आकार नहीं बदलता। इन फूलों के लिए हल्की उपजाऊ मिट्टी और धूप जरूरी है। रोजाना पानी देना ना भूलें और हाँ, वेल ड्रेन पॉट में ही लगाएं। पॉपी, पोस्ता, पोस्तो, खसखस या अफीम के सिंपल से फूल लाल, नारंगी, पीला, सफेद आदि रंगों में मिलते हैं और बीजों से उगाए जाते हैं। आप अगर अब भी इन्हें ना लगा पाए तो देर हो जाएगी। बेहतर होगा पहले हफ्ते में ही लगा ले। 5 पंखुड़ियों वाले ये फूल सिंप्लिसिटी में खूबसूरती का नायाब नमूना है। कई बार इनके फूल दोहरे रंगों में भी मिलते हैं। इनके लिए सैंडी या बलुई मिट्टी अच्छी होती है। फूलों के खिल चुकने पर बड़े आकार के सीड पॉड आते हैं, जिनसे आप अगली बारी के लिए भी बीज इकट्ठे कर सकते हैं। गुडेटिया या सैटिन फ्लावर, इनका बोटैनिकल नाम गुडेटिया एजेली फ्लोरा है। इनके फूल लाल, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं। इनका पौधा भी बीजों से उगाया जाता है। गुडेटिया या सैटिन के फूल भी दिखने में काफी सिंपल से पॉपी जैसे ही होते हैं, पर इनमें फूल गुच्छे में आते हैं। पौधे 40 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। बेहतर होगा बड़े गमले में ही लगाएं। इन पौधों को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, तभी ढेरों फूल आएंगे। इन्हें रोजाना दो बार पानी दें और पौधे को धूप में रखें। इनके अनगिनत फूलों से आपकी नजर नहीं हटेगी। और आप पैनी नजर बनाए रखें हमारी वीडियोस पर भी। बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के बीच शेयर भी करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर आएंगे कुछ अलग फूलों के साथ।